ये प्रोग्राम आप तक लाया जा रहा है ग्रेशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 69 मोहाली के सहयोग से। हम हैं ग्रेशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो है उत्तर भारत का बेहतरीन हॉस्पिटल, जहां आपको मिलती हैं सभी चिकित्सक सुविधाएं। ग्रेशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 69 मोहाली। दोस्तों, हमारा छोटा सा दिल हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हमारे सारे शरीर तक रक्त का प्रवाह करता है। आप सोचिए, ये कितना शक्तिशाली पंप होगा जो हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरह का हमारा आहार और विहार हो गया है और जिस ना समझी से हम अपने दिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा दिल दर्द से कराह रहा है। और आप अपने आसपास देखें, दिल के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और आज इस प्रोग्राम के जरिए हमने कोशिश की है कि हम आपके दिल के स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी दे सकें। और दोस्तों, आपको ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व है, बहुत खुशी है कि हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं हमारे क्षेत्र के सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट में से एक, जो कि एक्स आर्मी भी रह चुके हैं, डॉक्टर J.S. अग्रवाल। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज के शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जिस तरह आजकल हम देखते हैं अपने आसपास, दिल की बीमारी एक एपिडेमिक का रूप ले चुकी है। हर घर में लगभग कोई ना कोई हृदय रोगी हमें मिल जाता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हृदय रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि हमारा देश जल्द ही वर्ल्ड हार्ट डिजीज कैपिटल बनने के कगार पर है। आपने सही कहा, दिल की जो बीमारियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये बहुत कम टाइम देता है हमारे को उसके इलाज के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी कि जैसे जैसे हमारा सोसाइटी में स्ट्रेस हो गया है या सोसाइटी में और प्रॉब्लम्स हो गई हैं, यंगर पॉपुलेशन भी उसमें इफ़ेक्ट हो रही है। डॉक्टर साहब, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हार्ट अटैक क्यों होता है, क्या चेंजेस हमारी आर्टरीज में, हमारे हार्ट में आते हैं जिससे कि एक इंसान की जान खतरे में पड़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, प्लीज़ आप हमें बताएं, दिल की बीमारी क्या है और क्या होता है, एक इंसान मौत के मुँह तक जा सकता है? तो जैसे कि अभी आपने इंट्रोड्यूस किया कि दिल एक वो ऑर्गन है बॉडी का जो कि कभी रेस्ट नहीं करता है, 24 घंटे सुबह शाम सोते हुए भी ये अपना काम करता रहता है, इसलिए उसको किसी किस्म का रेस्ट मिलता नहीं है जैसे कि ब्रेन को मिलता है। तो उसलिए आगे जो इसकी जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी ब्लड सप्लाई है, उसका ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो हम आम तौर पे बात करते हैं हृदय रोग की, वो बेसिकली वो होता है जिससे ये खून की सप्लाई हार्ट को खुद ही बंद हो जाती है। जब ये हार्ट एक बेसिकली पंप का काम करता है, और पंप काम करता है उसके मसल की वजह से, तो जो मसल काम कर रहा है उसको भी खुराक चाहिए, उसको भी खून चाहिए जिससे कि वो अपना ऑक्सीजन ग्लूकोज वगैरह लेकर काम कर सकता है। वो उसको सप्लाई होता है बेसिकली तीन नाड़ियां होती हैं जो कि हार्ट को खून और न्यूट्रिशन जो सब सप्लाई करती है। वो जैसे जैसे टाइम बीतता है, इंसान जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे कई रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इन नसों में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, या जिसको कि हम आमतौर पर बोलते हैं कि भाई वो उसमें धीरे धीरे उसकी जो एक किस्म से कैपेसिटी होती है ब्लड कैरी करने की, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। और कई बार ये होता है कि अचानक से वो बंद हो जाती है जिससे कि वो हार्ट अटैक होता है। तो ये चीज़ें जो हैं अपने एक किस्म से लाइफस्टाइल या एक किस्म से एजिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। डॉक्टर साहब, अब आप हमें ये बताएं, जो मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें अगर कोई महसूस करे या अपने आसपास देखे कि किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण हैं, तो उसे जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प दिलवाना जरूरी होता है। जी हाँ, तो अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें, दो चीज़ों में कह सकते हैं, एक तो प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज और दूसरा क्योर। पहले आपने जैसे सवाल पूछा उसमें हम ये कह सकते हैं कि जब मरीज को कुछ हार्ट अटैक हुआ है या उसका कुछ दिल की धड़कन की प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें क्या करना है, ये सबसे ज़रूरी बात है। क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि वही दिल की धड़कन जो है
सारा टाइम चलती है तभी इंसान चलता है, तो उसकी धड़कन को जरा सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो एक मिनट दो मिनट आधा घंटा भी टाइम नहीं मिलता है। और आमतौर पे ये देखा गया है कि भाई बुजुर्ग हो गया या मेल पॉपुलेशन अडल्ट पॉपुलेशन में जैसे होती है तकलीफ, जो पिक्चरों में भी आप दिखाते हैं कि बाएं साइड की दर्द जो कि बाजू की तरफ जाती है, जो कि जाड़ की तरफ जाती है, शोल्डर की तरफ, कंधे की तरफ जाती है, उस किस्म की दर्द होती है और वो इतनी ज़्यादा दर्द होती है जो कि बिल्कुल ही इंसान को वहीं पे रुकना पड़ता है और वो मूवमेंट वगैरह कुछ चल फिर भी नहीं सकता है। उसके साथ में उसको एक किस्म से ठंडा पसीना सा आता है और हो सकता है उसको चक्कर आ जाए और इंसान वहीं पे गिर जाए, बेहोश हो जाए, रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है। दूसरा जो कॉमन तरीका होता है ऐसे दर्द होने का वो होता है पेट की जलन। कई पेशेंट्स में इस किस्म का जो पहली किस्म का दर्द है वो नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ एक किस्म का पेट की जलन जैसे छाती के बिल्कुल सेंटर में होती है और इसको गलती से गैस समझा जाता है, गलती से ये समझा जाता है कि पेट का कोई अल्सर है उसकी वजह से जलन हो रही है। लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो किसी भी एंटासिड खाने से या जैसे आमतौर में सोडा लोग पी लेते हैं वो पीने से वो ठीक नहीं होती है। वो जलन चलती रहती है, आधा एक दो घंटा चलती रहती है और साथ में पसीना आता है या उल्टी आ सकती है। ये दो इम्पॉर्टेंट तरीके हैं जिससे कि हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए और ऐसे पेशेंट को इमिडिएटली अस्पताल लेकर आना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा टाइम इज मसल, जितना जल्दी हम लेकर आएंगे उतना जल्दी हम पेशेंट का बचाव कर पाएंगे, क्योंकि हार्ट पूरा एक मसल है और जब ऐसा कोई ब्लॉकेज का हो रहा है या ऐसा कोई तकलीफ हो रही है तो वहां पे उसका मतलब यही है कि ब्लॉकेज की वजह से वो एरिया हार्ट का मर रहा है, उसकी वजह से दर्द हो रही है। हम जितनी जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे, जितनी जल्दी डायग्नोसिस या इलाज होएगा उतना जल्दी हम उसको बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि छाती में भारीपन या एसिडिटी के लक्षण ये संकेत हो सकते हैं हार्ट अटैक का, तो मान लेते हैं कि अगर आपको एसिडिटी है लेकिन अस्पताल जाकर अपने आप को चेक करवाने में ही भलाई है, क्योंकि अगर ये हार्ट अटैक है तो समय पर इसका इलाज करके, इसे मैनेज करके कई बहुमूल्य जीवन बचाए जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब पेशेंट इस तरह के लक्षणों के साथ आपके पास आते हैं तो किस तरह से आप उनको डील करते हैं, उसके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या मोडालिटीज आजकल मेडिकल साइंस के पास उपलब्ध हैं? तो सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट को लिटाया जाता है और उसको यही समझाया जाता है कि कुछ लोग ऐसे अपने आप इग्नोर करते हैं और कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं है, वो चल फिर के आते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही कहते हैं नहीं, आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए उसको, लेट जाइए, चलना फिरना बंद करिए। सबसे पहले हमको उनका पल्स कितना है, अगर वो ठीक ठाक नहीं चल रही, उनकी हृदय गति कम है या ज़्यादा है वो देखना है, ब्लड प्रेशर देखना है। कई बार इतना सीवियर अटैक होता है कि भाई ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, पेशेंट को हमको आईवी फ्लूइड या ग्लूकोज ये सब देकर रिसस्टेट करना पड़ता है। सबसे ज़रूरी काम इस टाइम पर होता है कि एक ECG लिया जाए और ये एक किस्म से हार्ट का जो बिजली का जो तार या बिजली का जो सर्किट चल रहा है उसको रिकॉर्ड करता है और उसमें से तकरीबन 80-90% केस में हमको पता चल जाता है कि हाँ एक हार्ट अटैक हो रहा है, कितना सीवियर है, कितना खतरनाक है, कम खतरनाक है या क्या है। ECG कम से कम एक कराना जरूरी है। उसके बाद अगर हमको लगता है कि हाँ वाकई में हार्ट अटैक हो रहा है ECG के तौर पे, तो हमको पेशेंट को एडमिट करना होता है, कुछ हम दवाइयाँ देते हैं और जैसे अगर मेजर सेंटर है, कार्डियोलॉजी सेंटर है, उसमें हम पेशेंट को इमिडिएटली एक कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी बोलते हैं वहाँ पे हम ले जाते हैं, वहाँ पे हम फटाफट उसका एक एंजियोग्राम करके हम चेक कर सकते हैं कि उसका ब्लॉकेज है नहीं है, कितना है, और उस हिसाब से उसका इलाज भी किया जा सकता है। जहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है वहाँ पे अगर सही डायग्नोसिस ECG से हो जाता है कि भाई वाकई में हार्ट अटैक हो रहा है, तो हम और हमारे पास कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे कि हार्ट अटैक का क्या होता है, बेसिकली वो जो नस है अचानक से बंद हो जाती है किसी खून के जमने की वजह से, तो ऐसी जगह में हम खून को जो क्लॉट बन जाता है, जो खून जम जाता है, उसको क्लॉट को तोड़ने की दवाइयाँ या खून पतला करने वाली दवाइयाँ हम देते हैं और वो भी जल्द से जल्द देनी चाहिए। ये चीज़ तो पेरिफेरी में या कुछ विदेशों में तो ऐसा भी सिस्टम है कि वो एम्बुलेंस वाला जो पैरामेडिक है वो भी ECG डॉक्टर को भेज देता है
ओवर दी रेडियो मीडिया एंड ऑल, एंड उससे जब उसको एक किस्म से कंफर्म हो जाता है कि ये हार्ट अटैक हुआ है, तो पैरामेडिक भी एक ऐसी दवाई जो है जो इंजेक्शन दे सकता है। कुछ दवाइयां तो ऐसी हैं वो सिर्फ सिरिंज में लोड करके एक मिनट में दी जा सकती हैं। तो ये अगर कंफर्म हो जाए और सही टाइम पे पेशेंट पहुंच जाए तो ये दवाइयां देकर हम जान बचा सकते हैं। ग्रेशियन हॉस्पिटल, जहां मिले आपको 300 बेड्स के साथ 24/7 आपकी खिदमत में मौजूद रहने वाला स्टाफ और बेहतरीन डॉक्टर्स से मिले आपको बेहतरीन क्वालिटी का ट्रीटमेंट। ग्रेशियन हॉस्पिटल, अफोर्डेबल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 69, मोहाली, पंजाब। दोस्तों, आज के शो में हमारे साथ हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर J.S. अग्रवाल। डॉक्टर साहब कहते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो अगर हम हार्ट डिजीजेस के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा बचाव शायद ही कोई हो सकता है। तो आप हमारे साथ हैं, और अगर हम आपसे हार्ट डिजीज की प्रिवेंशन के बारे में ना पूछें तो शायद आज की वार्ता अधूरी रह जाएगी। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे आप हमें कुछ टिप्स दें, कुछ एडवाइस दें, जिससे कि हम सबके दिल तंदुरुस्त रहें और खुशहाली के साथ धड़कते रहें। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर, एंड जो इंडिया में देखा गया है पूरे वर्ल्ड के मुकाबले में हमारे यहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम पर 1000 पॉपुलेशन कई गुना ज़्यादा है। तो ये तो एक किस्म से एक जेनेटिक या एक रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं, जिसको कहा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे एक किस्म से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमको अपने डाइट का ध्यान बहुत रखना है, हमको अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करना है। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण होता है जो हमारी डाइट है, उससे जो तेल को फ्राई करने वाली जो तरीका है उससे भी बहुत सारे गलत किस्म के फैट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ट की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। जहां तक हो सके तेल को फ्राई ना किया जाए, रीयूज ना किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके बचाव के लिए। एक्सरसाइज इंसान को जरूर करना चाहिए, चाहे वो आधा घंटा हो, 40 मिनट हो, 50 मिनट हो, जितना भी टाइम अपनी लाइफ में आप डेली निकाल सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज किसी भी किस्म की करनी चाहिए। स्मोकिंग की वजह से जितने भी यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इफेक्ट होती है, और उसमें जो हार्ट अटैक का कारण काफ़ी हद तक स्मोकिंग की वजह से होता है। हर एक लाइफ में आप कहीं पर भी जाओ, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो कोई मॉल हो, शॉपिंग हो, कुछ हो, कहीं पर भी हर जगह इतनी आबादी हो गई है, इतना स्ट्रेस हो गया है, ये चीज़ अगर हम अपने लिए कंट्रोल करें तो वो बेस्ट रहेगा। और डॉक्टर साहब, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इतनी सहजता से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिव लाइफ मोर शो में इतना ही। अगर आज के विषय पर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6283705192। जी हाँ, 6283705192। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.grecianhospital.com पर। This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal. Grecian Hospital, जहां मिले आपको 300 beds के साथ 24/7 आपकी सेवा में मौजूद रहने वाला स्टाफ और बेहतरीन डॉक्टर्स से मिले आपको बेहतरीन क्वालिटी का ट्रीटमेंट। Grecian Hospital, अफोर्डेबल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 69, मोहाली, पंजाब।